उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में आज अब की बार किसकी सरकार पर लोगों से राय ली गई, देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार को बस्ती जनपद के महादेवा विधानसभा के पककुआ बाजार में अब की बार किसकी सरकार को लेकर लोगों की राय ली गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। आज हम आ गए हैं महादेवा विधानसभा 311 के पक्का बाजार पर। यहां पर हम लोगों की राय देखते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है, इस बार किसकी सरकार, इस पे हम चर्चा करते हैं और इन लोगों की राय से पता करते हैं कि इन लोगों की क्या उम्मीदें हैं और क्या कहना है। क्या नाम है चाचा आपका? सदलू पहलवान प्रजापति, ग्राम बागापार और विधानसभा महादेवा से मैं काम करना और बनकटी ब्लॉक से काम करना बहुत दिन से शुरुआत करके कुछ चला रहा हूं, लेकिन हमारे विधायक लोग कुछ इधर काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके विधायक जो काम नहीं कर रहे हैं तो आप इस बार किसको मौका देंगे? अरे अब घर अपना छोड़ करके कहां जाएंगे, मैं अब उसी में हूं, उसी में रहूंगा। क्या नाम है आपका? जैसा कि आपने सपा भी देखा है, बसपा भी देखा है, भाजपा भी देखा है, इस बार आपको क्या लगता है? हो सकता है मोदी ही आए, थोड़ा जोर से बोलिए सर। मोदी ही भी आए, हो सकता है। आपको ऐसा नहीं लगता, मतलब आपको लगता है कि मोदी जी ही आएंगे? इसलिए कि पैसा ऐसा जो आया इसकी वजह से। अच्छा चलिए ठीक है, इनका कहना है कि मोदी जी आएंगे। और हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका सर? रामजोर। जोर से बोलिए सर। रामजोर। रामजोर जी, आप क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है इस बार? सरकार तो परिवर्तन होना जरूरी भाई, सरकार हो सकता है इस बार सपा की बन जाए। परिवर्तन होना क्यों जरूरी है? इसलिए कि लोग संतुष्ट नहीं है, लॉकडाउन चलाए, ये किए वो किए, दुनिया भर के सब परेशानी बढ़ाए, लोग भूखरी कागार पर आ गए, अनाज देने से क्या, जब विकास का काम नहीं होगा, लोग सुखी नहीं रहेंगे, इससे क्या होता है? तो आपको लगता है कि इस बार सरकार जो है ये सपा की आएगी और जनता सपा के साथ रहेगी, यही कहना आपका? हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? बलराम। बलराम जी, आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी रहेगी इस बार? तो मतलब कुछ कह नहीं सकते आपकी सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, इस पर भी निर्णय पे आप नहीं पहुंचे। बोला है? नहीं आवे सरकार, ये बात नहीं है सरकार। और बात करते हैं हम कुछ यहाँ के और लोगों से। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? इधर देखिए जितेंद्र। जितेंद्र, आपके लगता सरकार किसकी रहेगी इस बार? कैसे में रहेगी बताए? बसपा। बस पर रहेगी? ऐसा क्यों लगता है आपको बस पर रहेगी? क्योंकि वही आगे नंबर काम की है और भाजपा भी अपने हिसाब से अच्छा ही काम की है। जब भाजपा ने काम किया है तो फिर आप बसपा को क्यों देना चाहते हैं? भाजपा ही रहेगी, कहने का मतलब बसपा मेरा फेवरेट है। अच्छा जाओ, बसपा क्या है आपका? फेवरेट है। अच्छा, बसपा आपकी फेवरेट है, पार्टी है, इसलिए आप चाहते हैं बसपा सरकार आए। लेकिन मैं भी ये भी चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही रहे, वही रहे अपना, जो भी है, जो आज है मोदी। चलिए ठीक, आप कुछ और लोगों से बात करना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण पांडे, बीजेपी बस्ती। प्रवीण पांडे जी, आपको लगता सरकार किसकी रहेगी? क्या हमारी ही रहेगी, हम लोग हर कार्य कर रहे हैं जनता के लिए। लेकिन चाचा का आरोप है कि जो है इनको कुछ सामान नहीं मिल पाया, कुछ दिक्कत है, क्या इनके इस शिकायत से आप सहमत हैं? चाचा के आरोप से तो हम नहीं सहमत, सरकार हर प्रकार का वो काम कर रही जनता के लिए, जो जनता को चाहिए वो हो भी रहा है। तो आपको लगता है कि सरकार जो है इस बार जो है भाजपा की रहेगी? हमारी ही सरकार रहेगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अपने कैमरा पर्सन कहेंगे इधर आए, दिखाएं। क्या नाम है सर आपका? राम मिलन। राम मिलन जी, आपको क्या लगता है सरकार किसकी रहेगी इस बार? अब भाई सुन रहा हूँ कि सरकार बनेगा अखिलेश सिंह का। अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी सरकार रहेगी? आपको कि आ जाएगी। अच्छा, अगर आप वोटिंग की बात करें तो आप कहाँ जाएंगे, किस पार्टी के साथ जाएंगे? बसपा के साथ जाएंगे, भाजपा के साथ जाएंगे, या फिर सपा के साथ? भाई मैं तो भाजपा ही हूँ, भाजपा के साथ रहेंगे। भाजपा ही? आप भाजपा वाले हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार सब सुन रहा हूँ तो बताना ही पड़ेगा किसका सरकार बनने वाला है। नहीं, चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है, कुछ और लोगों से बात करेंगे हम। 100 लोग आ रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं, जरा इधर आ जाएं। बाबा
माता जी क्या नाम है आपका? आइए इधर आ जाइए। चाचा क्या नाम है आपका? जवाहरलाल जी, इस बार सरकार किसकी रहेगी? मोदी सरकार। आप सबका नाम मोदी सरकार रहेगी, इनका भी कहना मोदी सरकार रहेगी। चाचा बात करते हैं, चाचा क्या नाम है आपका? मुस्तफा जी, आपको क्या लगता है इस बार सरकार किसकी रहेगी, सपा की, भाजपा की या बसपा की? सपा ही रहेगी। आपको लगता है सपा सरकार आएगी? कितने सीटें सपा ला सकती है? तो वही जानेगा, हम थोड़ी बता पाएंगे। हमारे जिताने से कोई जीतेगा नहीं, सारी संसार जिसको जिताएगा। देखिए इन सभी लोगों के अलग अलग राय हैं कि सरकार किसी आएगी किसकी नहीं आएगी। सबकी कुछ का कहना है कि भाजपा की आएगी, कुछ का कहना है बसपा की आएगी, कुछ का कहना है सपा की आएगी। आज समय का इंतजार कीजिए, देखते हैं किसकी सरकार आती है किसकी नहीं आती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ धर्मेंद्र द्विवेदी, एक्सप्रेस न्यूज भारत, बस्ती, उत्तर प्रदेश। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।